हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल Dream11 फैंटेसी प्रोजेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैच होने वाला है SRH वर्सेस KKR के बीच में, बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज दो मैच होने वाले हैं और ये दो घंटे बाद स्टार्ट, दो ही नहीं तीन घंटे बाद ये मैच स्टार्ट होने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आज किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन बनाया जाए जिससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। ओके दोस्तों, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके दोस्तों, तो देखिए मैंने किसको बनाया, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये डेमो मेरा है। ओके दोस्तों, मैंने इसको ओपन किया है Dream11। ओके दोस्तों, इसमें देखिए बहुत सारी लीग है, कॉन्टेस्ट मेगा कॉन्टेस्ट है। ओके दोस्तों, यहाँ से आप चाहो तो ऑल फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ से 1 से 50 रुपये एंट्री के बीच में 5100 रुपये का भी है और यहाँ 101 रुपये से लेकर 1000 तक का एंट्री फीस है। ओके दोस्तों, और भी आप यहाँ भी कर सकते हो, बाकी मैं आप लोगों को और ये दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 1000 से अधिक भी है। नंबर ऑफ टीम कितने टीम, मतलब आप प्लेयर का खेलना भी चाहते हैं, दो टीम का, 3 से 10 टीम में, 11 से 100 टीम में। ओके दोस्तों, प्राइस पूल यहाँ देखिए 1 से 10 हज़ार के बीच में, 10,000 से 1,00,000 के बीच में। वैसे ही नेक्स्ट यहाँ देखिए कॉन्टेस्ट कौन सा आपको चाहिए, सिंगल इंट्री चाहिए या मल्टी इंट्री चाहिए, या सिंगल विनर चाहिए मल्टी विनर के। तो दोस्तों ऐसे आप लगा भी सकते हो। और उसके बाद यहाँ से देखिए बहुत सारी लीग चलती हैं। अगर आप नए यूजर्स हो यानी Dream11 के नए हो तो मैं तो कहूँगा आप सिंगल इंट्री पहले खेलो। ओके, उसके बाद आप जाना बड़े पे मेगा कॉन्टेस्ट पे। तो मैंने टीम बनाई है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने अपने अनुसार जो टीम बनाई है, आप अपने अनुसार ही बना सकते हो। पिछले मैचों के अकॉर्डिंग मैं देखते हुए बनाया हूँ, नेट का प्रॉब्लम है। ये देखिए SRH में से KKR, मैंने एक ये टीम बनाई, मैं दो टीम बनाता हूँ। ओके, आप अपने जो भी आपको पसंद हो बना सकते हो। यहाँ से देखिए जॉनी बैरिस्टो, ओके ये देखिए जॉनी बैरिस्टो हो गए। यहाँ से डेविड वर्मा को मैंने वाइस कैप्टन मैंने जॉनी बैरिस्टो को, नीतीश राणा, सुमन गिल को लिया है, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, मोहम्मद नबी, पीयूष चावला, एस नदीम और राशिद खान और खलील अहमद। दोस्तों इन लोगों का इतना पॉइंट ज़्यादा हो गया कि आप सबको एक टीम में रख ही नहीं सकते। ओके दोस्तों, तो मैंने ये कुछ बनाया, आप भी अपना बनाया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, या कुछ सुधार करना हो तो वो भी बता सकते हो। ओके दोस्तों, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल और मोहम्मद नबी, पिछले मैचों को देख के अकॉर्डिंग लोगों को बनाया गया है, देखिए इस मैच में इन्होंने क्या करते हैं। ओके दोस्तों, आगे और भी देखिए, अभी टीम भी मैं अपना बनाऊंगा, आप लोग को वहाँ से मैं बताऊंगा। ओके दोस्तों, यहाँ से क्रिएट टीम में इन लोगों का मैं आप लोगों को दिखा दी, देखिए कितना ज़्यादा पॉइंट है। जैसे जॉनी बैरिस्टो का ले लीजिए इनको, अगर या दिनेश कार्तिक में किसी एक को लेंगे, डेविड वार्नर का देखिए 11 हो गया, क्रिस्टन 9.5 हो गया। पिछले मैच और रॉबिन थप्पा की वजह से KKR की जो हालत हो गई, सभी लोग इनको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे थे, तो कटप्पा भी बता रहे थे। ओके दोस्तों, ये देखिए आंद्रे रसेल का 10.5 हो गया, सुनील नारायण एम नदी का 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया, राशिद खान यहाँ देखिए 9 पॉइंट है। और इन लोगों को कितने परसेंट लोग लिए हैं यहाँ से पिकअप भी मैं आपको बताएं, जैसे जॉनी बैरिस्टो को कितने लोग लिए हैं, इसको यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ से आपको दिखा देगा कितने लोग इसको सेलेक्ट किए हुए हैं, 76.53। ओके दोस्तों, 76.53% लोग इनको सेलेक्ट किए हैं SRH वर्सेज CSK में, और KKR वर्सेज SRH में इनको 81.53% लोग क्या किए थे, सेलेक्ट किए थे। ओके दोस्तों, आगे और ऐसे ही सबका देख लेते हैं। दिनेश कार्तिक को देख लीजिए कितने लोग इनको किए हैं, दिनेश कार्तिक जी को इसमें 16.9% लोग इस मैच में देखिए सेलेक्ट किए हैं। यहाँ इन दोनों में बेटर जॉनी बैरिस्टो ही लग रहे हैं, वैसे आप दिनेश कार्तिक को भी चांस दे सकते हैं। बैट्समैन में देखिए किसको, डेविड वार्नर को देख लीजिए कितने लोग सेलेक्ट किए हैं, 92% लोग। ओके दोस्तों, 92% लोग इनको क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं यहाँ से 92%। और देखिए KKR वैसे SRH में 89% लोग और इसमें 91%, तो काफ़ी इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है जिसके हिसाब से लोगों ने इनको ज़्यादा सेलेक्ट किया है। ओके, अब आगे और ऐसे ही देख सकते हैं आप, इसलिए इनका रॉबिन थप्पा का, नीतीश राणा जिसका ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अपने हिसाब से भी देख सकते हो। आंद्रे रसेल का देख लीजिए, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है भैया, ये बड़े बड़े मैचों को ऐसे हवा भर देते हैं कि पूछिए मत। ओके दोस्तों, आंद्रे रसेल इनका लोग बता रहे थे DNA टेस्ट भी कराइए, ये एलियन है। ओके दोस्तों, आगे और भी देख लीजिए, यहाँ 88% लोगों ने इनको सेलेक्ट किया है, ऐसे ही है प्लेयर। ठीक है, राशिद खान भी अपने अच्छे खासे वालर है, 3-4 विकेट या 2-3 विकेट तो ले ही लेते हैं।
फिर दोस्तों यहाँ से देखिए 79% इनको भी दिया गया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट जहाँ पल पल आपको एक एक बेट का और बॉल टू बॉल पे लगता है वहाँ ले चलता हूँ। तो दोस्तों bet365.com पे मैं लेके आया हूँ। यहाँ बहुत सारी लीग चलती है, देखिए क्रिकेट, सॉकर, टेनिस, बहुत सारी लीग चलती है। ओके दोस्तों, तो हम लोग का क्रिकेट है, क्रिकेट में सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता को यहाँ से आपको प्लेयर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। ओके दोस्तों, कौन सा प्लेयर कहाँ अच्छा, देखिए। तो दोस्तों नीचे आते जाइए आप यहाँ, उसके बाद यहाँ से आपको दिखेगा प्लेयर परफॉर्मेंस, ये देखिए। दोस्तों यहाँ से देखिए ये दिया प्लेयर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, इसमें जिसका ज़्यादा देखिए पॉइंट हो उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ से देखिए जैसे भुवनेश्वर कुमार का कितना है 25.5। ओके दोस्तों, और यहाँ राशिद खान का भी देख लीजिए 36.5 है। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा बेट लगता है, ये साइड जो है एक एक आप कौन सा टॉस जीत रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है, एक एक बॉल पे भी ये बेट 365 पे लगता है। ओके दोस्तों, यहाँ से देखिए डेविड वार्नर को 39.5 है, इनको चाहे तो आप कैप्टन बना सकते हो। उसके बाद एस नारायण का भी है, देखिए एस नारायण का 37.5 है, इनको भी बना सकते हो कैप्टन, चांस ले सकते हो। मोहम्मद नबी का भी 36 है, तो इन सबको आपको टीम में रखना बहुत ज़रूरी है। भुवनेश्वर कुमार हो गए, राशिद खान हो गए, डेविड वार्नर, सिद्धार्थ कौल, एम नबी, मोहम्मद नबी, क्रिस्लिन हो गए, कुलदीप यादव जी हो गए, एच एफ गुबने हो गए, और यहाँ से सुनील नारायण और पीयूष चावला। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप टीम बना सकते हैं, इन लोगों का परफॉर्मेंस देख के लगभग हर मैच में इन लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। ओके दोस्तों, तो इनको देखते हुए प्लेयर्स परफॉर्मेंस रहा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपको कल न्यूज़ मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलता है, तब के लिए गुड बाय, टेक केयर।